हेलो दोस्तों, भी इसके टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, क्या आप भी सीखना चाहते हो HTML लैंग्वेज और डिजाइन करना चाहते हो वेब पेजेस? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। HTML से वेब पेजेस बनाते समय जब आप वेब पेज में कोई वीडियोस, ऑडियोस, इमेज, अन्य फाइल, लिंक आदि डालने के लिए आपको टेक्स्ट की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे कि ये टेक्स्ट क्या होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो टेक्स्ट एक एलिमेंट होते हैं, या हम सिंपल सोचे तो ये एक नाम होते हैं। जैसे कि अगर आपको वेब पेज का टाइटल देना होता है तो टाइटल टैग हो गया, इमेज ऐड करने के लिए IMG टैग हो गया, टेबल के लिए टेबल टैग हो गया, पैराग्राफ के लिए P टैग हो गया, ऐसे कई सारे टैग हैं। मैं आपको बता दूं कि HTML का पूरा काम टैग्स का ही होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये कौन सा टैग है, इसका क्या यूज़ है और इसका यूज़ कैसे करें, तो आपको HTML पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये कोई एक टैग नहीं है, 10-15 नहीं है, जो मैं आपको एक वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बता दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं आपको बेसिक टैग बताऊँगा। इसमें मैं आपको पहला चरण समझाऊँगा। हम पहले टैग्स के बारे में समझते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले टैग आता है, वह है डॉक टाइप HTML टैग। ये टैग आपको HTML का वर्जन बताता है। वेब पेज बनाते समय सबसे ऊपर इसको लिखना होता है। दूसरा टैग होता है HTML, ये आपको ओपन और क्लोज दोनों टैग लिखने होते हैं। इस टैग के अंदर ही कोडिंग होती है। उसके बाद हिड टैग आता है, जिसमें आप CSS डाल सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट फाइल डाल सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग आता है, जिसमें ही कोडिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर आ जाना है, राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट करना है। आपके सामने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, उसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप टाइप कीजिए डॉक्टाइप HTML। उसके बाद आता है HTML टैग। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी टैग हो उसको बंद करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका ये टैग रन नहीं होगा। मैं HTML टैग लिखा है, उसके बाद मैं इसको बंद कर लूँगा। इसको बंद कर लेना है आपको। उसके बाद आता है हिड टैग। इसको भी आपको बंद करना होगा। हिट टैग के अंदर हम टाइटल दे सकते हैं, जैसे देखना यहाँ पर ये पैनल लिखा टाइटल, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो मैं एक बार यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैंने बंद किया। यहां पर जाइए फाइल पर, उसके बाद आप फाइल पर जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया HTML। आप कुछ भी नाम देने के बाद यहाँ पे डॉट लगाकर आपको लिखना है HTML, जिससे ये फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको डॉट लगा के HTML लिखना है। ओके, ये मैंने सेव किया। यहाँ पे उसको काटने के बाद यहाँ पे देखो, ये एक HTML फाइल आ गई। इसको आप ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे, देखिए ऊपर ही पर टॉप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है HTML.HTML, ये हमारा अभी नाम लिखा हुआ रहा है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए,
ओपन विद पर जाइए, नोट पैड वापस ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ये टाइटल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसे मैंने लिखा बी एस के टेक्नोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबाया, इसको सेव किया। उसके बाद मैं वापस यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वापस टॉप पर देखिए यहाँ पर लिखा है ना बी एस के टेक्नोलॉजी। इस तरह हम इसको टाइटल दे सकते हैं। वापस हम नोटपैड पर जाते हैं, उसके बाद आता है बॉडी टैग, जिसके अंदर ही हम कोड लिखते हैं। बॉडी टैग के अंदर बात करें तो सबसे पहले टैग करने वाले हम एक H1 से लेके H6 तक टैग आते हैं। जैसे मैंने लिखा है H1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं PSK टैक नो लॉजी, और उसके बाद मैं इसको H1 टैग को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव किया, और उसको मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको बड़े अक्षर में दिखाई देता है BSK टेक्नोलॉजी। अब आता है दूसरा, आता है H2। ये जैसे आप H1 से H2 आएगा, H3 आएगा, जैसे चाहिए वैसे वैसे ये फॉन्ट साइज है वो छोटा होता जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ H2 लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब My channel, sorry गलती से हो गया channel। तो मैं यहाँ पे इसको control S दबा के सेव कर रहा हूँ। वापिस मैं फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा करता हूँ, तो ये देखो इस BSK टेक्नोलॉजी से ये छोटा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, देख लीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल, जी हाँ दोस्तों इसी से मुझे याद है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद आता है H3, इसके अंदर लिखता हूं जैसे मैंने लिखा प्लीज लाइक My videos, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबाया, और मैं फिर ब्राउजर में गया अपने और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देख लीजिए BSK टेक्नोलॉजी है वो इसे वो सबसे बड़ा है। उसके बाद मैंने H2 लिखा तो ये सब्सक्राइब माई चैनल है वो थोड़ा छोटा है, मैंने H3 लिखा तो प्लीज लाइक माई वीडियो ये भी छोटा आ गया, ऐसे ऐसे H3 तक आता है, ऐसे ऐसे H6 तक आता है, मैंने H6 लिखा और इस टैग को भी मैंने बंद किया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे BSK YouTube चैनल, इसको सेव किया मैंने,
यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख लो सबसे छोटा गया 20K यूट्यूब चैनल। इसी तरह आप इसको H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी जैसे वेब पेज में कोई भी जैसे टाइटल लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, तो उसके लिए आता है P टैग। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर मैं जैसे लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको मैंने कंट्रोल एस सेव किया। आप इसको सेव यहाँ पे फाइल पर आके सेव है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कंट्रोल एस सेव, यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राउजर पर आइए, इसको रिफ्रेश करोगे तो देखोगे यहाँ पे देखो हेलो फ्रेंड्स प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये हो गया। यहाँ आपको रिफ्रेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाइए, अपने इमेज ऐड करने के लिए टैग है IMG, मैंने लिखा IMG टैग। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सोर्स SRC यानी सोर्स। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे जो भी आपके वो इमेज का नाम है, जैसे यहाँ पे मेरी इमेज का नाम है ई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा e.jpg। इसको आप बंद करने की जरूरत नहीं है, इस टैग को आप बंद नहीं करें तो भी चलता है। इमेज लिख दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे jpeg क्यों लिखा, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा ये इमेज है ना, मैंने इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर गया, यहाँ पर देखिए jpg फाइल, ये यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ फाइल, यहाँ पे लिखा है jpeg फाइल। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे देख लीजिए .jpeg। इसी तरह कोई पिक्चर png होते हैं, कई gf होते हैं, gif होते हैं, कई png होते हैं, ये मेरी फाइल है वो jpg है, इसीलिए मैंने यहाँ पे jpg लिखा। कंट्रोल एस सेव किया मैंने ब्राउजर पर अपने और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए मेरे यहाँ पे पिक्चर आ गई। आप इस पिक्चर का साइज को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा विद लगा के मैंने लिखा 200 pixels। कंट्रोल एस सेव किया इसको। यहाँ पे देखो ये छोटी हो गई ना इमेज, इसी तरह आप इसके साइज को भी कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में HTML ट्यूटोरियल 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा और बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह कंप्यूटर और मोबाइल के वीडियो एंड ट्रिक्स, वेब डिजाइनिंग, HTML एंड CSS और MS Office आदि वीडियोस और कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।